वैसे तो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो की टेस्टिंग काफी लंबे समय से चल रही है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो आखिर लॉन्च कब होने वाली है, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को कितनी बेहतर तरीके से पहाड़ों पर चढ़ा के इसकी टेस्टिंग की जा रही है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये जो वेरियंट है ये जरूर 4x4 वेरियंट ही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस स्कॉर्पियो की टेस्टिंग की जा रही है पहाड़ पर चढ़ाकर, क्या पता शायद ये वेरिएंट 4x4 हो। और आप देख सकते हैं कि महिंद्रा स्कॉर्पियो कितनी आसानी से इस पहाड़ पर चढ़ जाती है और किसी भी तरीके से महिंद्रा स्कॉर्पियो को कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे तो महिंद्रा स्कॉर्पियो को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, पहला है 4x2 और दूसरा है 4x4। इन दोनों ही वेरिएंट में महिंद्रा स्कॉर्पियो को लॉन्च किया जाने वाला है। और अगर हम बात करें महिंद्रा स्कॉर्पियो में मिलने वाले सेफ्टी की, तो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको बेहतर सेफ्टी मिलने वाली है, क्योंकि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो के अंदर बेहतर सेफ्टी देगी। जिस तरीके से महिंद्रा ने अपने XUV700 के अंदर जबरदस्त फीचर्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो के अंदर भी बेहतर फीचर्स ऑफर करने वाली है। इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD, हिल स्टार्ट कंट्रोल, हिल असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा, 360° कैमरा और एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और अगर हम बात करें इस SUV के लॉन्चिंग की, तो महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो को 2022 में लॉन्च नहीं कर सकता, क्योंकि महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो को इसीलिए लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि XUV700 की जो वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोगों को महिंद्रा XUV700 लेने के लिए 1 से 1.5 साल तक का वेटिंग पीरियड मिल रहा है सभी लोगों को। और महिंद्रा स्कॉर्पियो को 2022 के एंड में या फिर 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्की जानकारी नहीं है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो 2023 में या 2022 के एंड में लॉन्च होगी। अगर बात करें इस SUV में मिलने वाले इंजन्स की, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अंदर आपको 2 लीटर का पेट्रोल और 2.2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाएगा। इन दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इन दोनों ही इंजन्स के पावर की, तो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको पेट्रोल में 150 BHP की पावर और डीजल के अंदर आपको 170 BHP की पावर देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें फीचर्स की, तो न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के इंटीरियर में मिलने वाले एडवांस फीचर्स काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं। जिस तरीके से XUV700 के अंदर भी बेहतर फीचर्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से महिंद्रा स्कॉर्पियो में भी आपको बेहतर फीचर जरूर देखने को मिलेंगे। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, बटन स्टार्ट, कॉम्पिटिटर में काफी सारी SUV आ चुकी है, सफारी, हैरियर, एमडी हेक्टर, क्रेटा, फिर भी महिंद्रा स्कॉर्पियो की जो सेल है काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। फिर सारी अच्छी खासी SUV लॉन्च होने के बाद भी और न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर से महिंद्रा स्कॉर्पियो बहुत बेहतर SUV है और हम सभी काफ़ी लंबे समय से महिंद्रा स्कॉर्पियो को मार्केट में देख रहे हैं। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, और जो अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।